जयपुर से खबर है, जहां पर एसआई भर्ती पेपर लीक मामला। एसओजी ने 4 ट्रेनी एसआईओ को गिरफ्तार किया है। एक डमी अभ्यर्थी संतोष को भी लाया गया। बुधवार को एसओजी अधिकारियों ने की थी पूछताछ। पूछताछ में अपराध प्रमाणित होने पर हुई गिरफ्तारी। एसओजी टीम ने आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, एसआई भर्ती पेपर लीक मामला लगातार चलता आ रहा है, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, और वहीं आज भी 4 ट्रेनी एसआईओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ अभी का अपडेट विवेक? एसआई भर्ती 2021 परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर लगातार राजस्थान एसओजी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। मामले में कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी गोपाल सारण से पूछताछ के बाद कई और खुलासे सामने आए थे, और ये भी बात सामने आई थी गोपाल सारण ने कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पेपर मुहैया कराया था। उसी पेपर को पढ़कर कई अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा में पास हुए थे। ऐसे में कई संदिग्ध ट्रेनी एसआई जो प्रशिक्षण ले रहे थे उन्हें आज हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। इस पूरे प्रकरण में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, साथ ही एक अन्य आरोपी जो डमी अभ्यर्थी के तौर पर शामिल थी संतोष, उसे भी रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कुछ देर पहले जयपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर द्वितीय में लाया गया है और आरोपियों को पेश किया गया है पूछताछ लिए। एसओजी की ओर से 4 ट्रेनी एसआई जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें 10 दिन के रिमांड पर मांगा गया। साथ ही डमी अभ्यर्थी के तौर पर गिरफ्तार की गई संतोष जो रिमांड पर चल रही थी उसका 3 दिनों का रिमांड मांगा गया है। अब ये माना जा रहा है कि इस दोनों कुछ देर बाद दोनों पक्षों की ओर से मामले में बहस होगी कि कितने दिन का रिमांड जो है वो दिया जाता है, जिसके बाद कोर्ट फैसला सुरक्षित रखता फैसला। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए विवेक धन्यवाद।